ইস্কন বুলি কলে আমাৰ মনলৈ আহে হরে রাম হরে কৃষ্ণ। ইস্কনৰ প্ৰতি সকলোৱে ভক্তিভাৱ আছে, কিন্তু ইস্কনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ এগৰাকী নেতাই, তেখেত হৈছে মেনকা গান্ধী। मेनका गांधी जी, उन्होंने जिस तरीके से एक जिम्मेदार पद पे होके गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, हम उसकी निंदा करते हैं। আমি সকলোৱে জানো মেনকা গান্ধী পশু প্ৰিয় বুলি, জীৱ জন্তুৰ বাবে মাত মাতি থাকে মেনকা গান্ধীয়ে। সেই মেনকা গান্ধীয়ে ইস্কনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে সাক্ষাৎ প্ৰসংগ। সবচে বড়ে जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सुखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग All its cows to the butchers. जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो हैं जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या। मेनका गांधी ने वक्तव्य विरोधिता कर से इस्कॉन संचालक राजेंद्र नंदन दास है। श्रीमती मेनका गांधी के झूठे और गलत बयानों का इस्कॉन खंडन करता है, क्योंकि उन्होंने जो भी बयान दिया है बिना तथ्य के है और उसका कोई आधार नहीं है। पूरी तरह से ये झूठा और गलत बयान है जिसका हम खंडन करते हैं। सर, वो एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट रह चुके हैं, उन्होंने बाननपुर गौशाला की जो आंध्र प्रदेश में है, और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ रिसेंटली गई थी और वहाँ एक भी गाय उनको ऐसी नहीं दिखी जो एक अच्छी कंडीशन में है। ये बेहद झूठ है, क्योंकि अनंतपुर जिस गौशाला का वो चर्चा किया है वहाँ पे अभी भी 240 से ज़्यादा गाय ऐसी हैं जो दूध देती ही नहीं, जो दूध देती नहीं वो गाय वहाँ पे हैं। 76 के आसपास बैल हैं वहाँ पे, और जो गाय दूध देती हो 18 या 19 होंगी, ज़्यादा नहीं। लेकिन जितनी ही गाय हैं सबकी श्रद्धा से प्रेम से उनकी सेवा की जाती है। और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं जैसे DM साहब हैं, माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं और चिकित्सक अधिकारी हैं, वो सब वहाँ पर गए थे और सब कहा कि जो मेनका जी ने ये आरोप लगा है ये बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है।